কেমন লাগছে স্যার? তাও মানে এত ভারী গাড়ি, 260 kg ওয়েট স্যার। দামি গাড়ি এটা স্যার, ওটা তো অনেক দামি গাড়ি স্যার। सीरियसली यार, ये बंदा जैसे आया मतलब ऊपर से दिखा भी नहीं, इधर से हट से आगे मतलब सब भड़क गए इनके ऊपर। ये सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड आई होप यू ऑल आर गाइस डूइंग वेरी वेल। सो फाइनली आज बूसा फिर से राइड कर रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल मज़ा बहुत ही आया जब स्टार्ट करके इसको बाहर निकाले रोड पे ना। ओ हो ये मज़ा तो अलग ही है यार। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि मेरा बूसा पे आ गया है खर्चा, मतलब थोड़ा खर्चा आया मेरे हिसाब से। जैसे कि अभी इसका बैटरी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका बैटरी हो गया है ख़त्म। अब वो बैटरी से ये स्टार्ट नहीं होएगी क्योंकि बहुत बार मेरे को स्टार्ट के लिए धोखा दे रहा था कुछ दिन से, मतलब ट्रिप में जाने से पहले। तो अभी और नहीं होएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा इसका बैटरी। तो आदेश भाई को फ़ोन किए, आदेश भाई बोले ठीक है तुम आ जाओ, हम बैटरी का बंदोबस्त कर देते हैं। तो अभी जा रहे हैं आदेश भाई के पास, इसका बैटरी चेंज करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते। और आप लोगों को अगर वो विंटर लद्दाख वाला सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लेना। और बहुत ही एडवेंचरस राइड था वो, और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का राइड था। आज तक जितना राइड किया है सबसे एक्सट्रीम लेवल का राइड वही था मेरे लिए। तो आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना, फिर से राइड देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा अच्छा लॉन्ग राइड्स एंड ऑल सभी देखने को मिलेगा। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट करना एंड जैसे हम वीडियो बना रहे हैं वैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अभी जो ट्रिप करेंगे सोच रहे हैं बूसा में करेंगे, तो देखते हैं। चलो भैया के लिए गिफ्ट है, भैया खुश है, बहुत खुश है। और ये रहा मनोज भाई, तो गिफ्ट में क्या है भैया खोल के दिखाइए। ये टॉर्च है। अच्छा अच्छा गिफ्ट है, टॉर्च है। अच्छा ये मास्क है, गंजी है। अच्छा टी शर्ट है, टी शर्ट है। अरे एक मग है ना, कॉफी मग। अच्छा और ये अल्टीमेट कैश और अल्टीमेट। चलो बढ़िया है। सो गाइस रुकावट के लिए माफ़ी, और ये चेयर थोड़ा आवाज़ करेगा इसके लिए अलग से माफ़ी। और जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब हम एक राइड पे हैं, और वो राइड BMW के साथ है, मतलब BMW कोलकाता जो है उन्हीं के साथ एक राइड है। BMW बाइक ही चलाएंगे, तो आप लोगों को BMW का बहुत सारा बाइक्स देखने को मिलेगा। एंड हम लोग कहाँ राइड कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं हम लोग बोलपुर शांतिनिकेतन। एंड कौन सा होटल में ठहरे हैं, क्या कर रहे हैं, कल का शेड्यूल क्या है, पूरा परसों का शेड्यूल क्या है। और हाँ ये 2 दिन का राइड है, तो आप लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी फॉलो करना ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या राइड कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। चलते आप लोग कंटिन्यू करो, मतलब कंटिन्यू वीडियो देखो, और नेक्स्ट वीडियो आएगा शांतिनिकेतन वाला, तो आप लोग ज़रूर से देखना। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। एनी टाइम सर, एक बार बोसुन। কেমন লাগছে স্যার? মানে 260 kg ওয়েট স্যার। হ্যাঁ 260। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে যখন মানে চলে বাইকটা তখন এতটা মানে হেভি লাগে না, না এটা ওয়েটটা স্যার ফিল করা যায় যখন তোলা হয় বাইকটা, তাছাড়া স্যার ওয়েটটা ফিল হয় না সেরকম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার ওটা তো অনেক দামি গাড়ি স্যার, আপনি চালাচ্ছেন মানেই দামি ওটা। और वो पुलिस वाला सर जो था सीरियसली मैन, कम से कम आधा घंटा से उनसे बात हो रही थी। पुलिस ऑफिसर जैसा होना चाहिए, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट था यार सीरियसली। बहुत कुछ पूछा बाइक के बारे में, और उनको बाइक बहुत ही पसंद है इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं बैठना है। बोले सर एक बार बैठ जाओ बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, तो बैठा, बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली। मतलब पूरा गार्जियन की तरह मेरे को गाइड किया, मेरे से बात किया, मतलब सलाह दिया कि ऐसा जोर से गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाने का, ऐसा वैसा। चलो चलो सही है। सो गाइस दिस इज़ नेक्स्ट डे, और आज मेरा थोड़ा काम था मतलब शॉर्ट लेक साइड में, तो
मैंने सोचा कि अगर जा ही रहे सॉल्ट लेक तक तो और थोड़ा आगे भी चला आए थे, मतलब अपना एकांत कैफे राजर हट साइड, ताकि कुछ फ़ोटो भी खींच ले अपना इंस्टाग्राम के लिए। तो पीछे है अपना बावन मेरे बाइक के पीछे, तो अभी हम जा रहे हैं फ़ोटो शूट करेंगे। पहले मेरा काम निपटा लेंगे, उसके बाद फ़ोटो शूट भी करेंगे एंड देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। आप लोग पूरा वीडियो देखना, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग एंजॉय करेगा, एंजॉय करते अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट किया करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें चैनल को। अभी ज़्यादा गर्मी आया नहीं है, फिर भी इतना जितना भी गर्मी आया है, जितना गर्मी लग रहा है अभी, इसमें ही बाइक क्या हीट हो रहा है यार, ठंडा बाइक ठंडा होने का नाम ही लेने रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी आएगा, अभी तो बाकी है, तो देखते हैं। हाईवे राइड करेंगे थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए, और हाईवे राइड भी करना मतलब बहुत झेल वाली बात है। तो सुबह निकलना पड़ेगा एकदम मॉर्निंग को, और जल्द से जल्द घर आना पड़ेगा, क्योंकि 10-11 बजे के बाद इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है यार, क्या ही बताया आप लोगों को। अरे एम्बुलेंस को तो छोड़ दो मेरे भाई, को इसे रास्ता देना चाहिए, कभी भी कहीं भी आपको दिखता है तो रास्ता दे देना ज़रूरी है। और मेरा आज एंगल कैसा आ रहा है मेरे को नहीं पता, मतलब मोटो व्लॉगिंग एंगल अभी हम देख रहे, शायद थोड़ा ऊपर आ रहा होगा, क्या पता। अगर अच्छा आ रहा है तो सही है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो से चेंज कर लेंगे। सीरियसली यार ये बंदा जैसे आया, मतलब ऊपर से दिखा भी नहीं, इधर से हट से आगे मतलब सब भड़क गए इनके ऊपर, ये उधर गाड़ी वाला पूरा टैक्सी वाला था। सो गाइस जो अपना जो काम था वो काम हो चुका है, उसमें थोड़ा टाइम लग गया एंड अभी हम और बाबा ने अभी जा रहे अपना घर को। और बाबा ने आज बहुत ही अच्छा अच्छा पिक्चर लिया है जो कि आपके इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगा। आज का एक्सपीरियंस कैसा था? अरे बाप रे, ओ भद्रवाड़ी ना, ओके भद्रवाड़ी छोटे सवाल वाला चले छिलाम, तेल बिल शेष हो गया, तेल बिल शेष हो गया, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड भूसा पैशन के टो करे, भूसा पैशन के टो करे जा तो माने तोर এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন লাগছে? তো নিজে চালাছিলাম তো এজন্য ভালো লাগেনি। না না তোর এখন মানে নিজে কেমন ফিল হচ্ছে যে ভূষা আমাকে টো করেছে? আমার যে কি হচ্ছিল এরম 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 এরম। ঠিক আছে চল ভাই, ইনস্টা আইডি বতাएगा বাবান ডিকে কুন্ডু দ্য গ্রেট ফটোগ্রাফার, চল ভাই। सो गाइस असल में आने का टाइम बहुत ही कॉमेडी वाला सीन हो गया था, वो टाइम मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कुछ इशू के वजह से। सो बाबा ने एक बाइक चला रहा था आज थोड़ा दूसरा वजह से, वो मेरे साथ ही गया था लेकिन कुछ देर के लिए वो उसको कहीं जाना था, तो उधर बहुत ट्रैफिक वगैरह रहता है, बहुत जैम रहता है, तो इसीलिए वो जगह हम नहीं गए थे। तो उसको एक बाइक दिए थे लेके जाने के लिए, तो वो बाइक का हो गया था पेट्रोल ख़त्म और उसको पता भी नहीं चला था। तो फर्स्ट टाइम भूसा ने पैशन प्लस को टो किया है, वो ज़्यादा दूर के लिए नहीं मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है। तो भूसा ने पैशन प्लस को टो किया था, मैंने उसको टो किया कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, वो भी सिटी के अंदर ही, ज़्यादा दूर नहीं था, तो उसको टो कर के लेके गए थे। तो बाबा ने जो रिएक्शन दिया था वो अलग ही रिएक्शन था, अगर मैं शूट कर पाता वो सीन तो बहुत ही अच्छा होता, आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करते वो सीन, तो वो शूट नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न। सो आज का वीडियो ज़्यादा कुछ नहीं था, हल्का फुल्का था, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइज, बाय बाय।